और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता घनेन्द्र भारद्वाज जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी से विधायक अजय महावर जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। घनेन्द्र जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, मुख्यमंत्री जेल में है, मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, अब आगे क्या होगा सर? घनेन्द्र जी, मुख्यमंत्री जी कंटिन्यू करिए जी। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से ईडी ने गिरफ्तार करके जेल के पीछे भेजा, ये पूरी की पूरी साजिश नरेंद्र मोदी जी ने 2 साल पहले लिखी थी। नरेंद्र मोदी जी ने एक झूठी शराब की कहानी लिखी और झूठी शराब की कहानी में उन्होंने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को खत्म करने की कोशिश रची। उन्होंने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए ये साजिश रची, क्योंकि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोग हमसे जीत नहीं पाते, चुनाव में हार जाते हैं, बार बार चुनाव हार जाते हैं। अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ने की औकात नहीं है इनकी, ये एक बार नहीं चार चार बार अरविंद केजरीवाल ने आमने सामने की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को, अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को हराया। बस वही खींचती कि कैसे अरविंद केजरीवाल को हटाना है, कैसे अरविंद केजरीवाल की सरकार को खराब करना है, उसी के चलते इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करा। और अरविंद केजरीवाल जी के साथ साथ हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करा, सतेंद्र जैन को करा, संजय सिंह को गिरफ्तार करा, बाद में संजय सिंह को जिस तरीके से कोर्ट ने बेल दी वो सबके सामने है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझना पड़ेगा कि दिल्ली के लोगों ने शासन के लिए अरविंद केजरीवाल को चुना है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों ने 5 साल के लिए सरकार चलाने का मैंडेट दिया था और हिस्टोरिकल मैंडेट दिया था। अरविंद केजरीवाल चाहे ईडी की कस्टडी में रहे, चाहे जेल में रहे, लेकिन दिल्ली के काम उन्होंने रुकने नहीं दिए। भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि अरविंद केजरीवाल जी को अगर जेल में डाल देंगे तो दिल्ली में बिजली पानी जो हम फ्री दे रहे हैं वो बंद हो जाएगा, दिल्ली में महिलाओं की यात्रा हम जो बसों में फ्री करा रहे हैं वो बंद हो जाएगी, दिल्ली में जो बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा मुफ्त में करा रहे हैं वो बंद हो जाएंगे, दिल्ली के सारे काम रुक जाएंगे। आपके मंत्री ने इस्तीफा दे दिया सर, न सिर्फ पद से पर पार्टी की सदस्यता से भी, ऐसा क्यों? देखिए, जिस तरीके से ईडी ने देश में एक आतंक का माहौल बनाया हुआ, आज ईडी ऐसे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की शार्प शूटर की तरह काम कर रही है। ईडी ने जो इस तरीके से डर बनाया, राजकुमार जो हमारे आनंद मंत्री थे बहुत अच्छे इंसान हैं, इनके देश और विदेशों में बहुत अच्छा बिजनेस है, और राजकुमार आनंद के ऊपर भी 3 महीने पहले रेड हुई थी। पिछले 3 महीने से लगातार राजकुमार आनंद पे भारतीय जनता पार्टी के लोग दबाव डाल रहे थे, ईडी के अधिकारी दबाव डाल रहे थे कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं आओगे, आप आम आदमी पार्टी को नहीं छोड़ोगे तो आपको जेल में डाल देंगे, आपके पूरे परिवार को जेल में डाल देंगे, आपके पूरे बिजनेस को खत्म कर देंगे, चौपट कर देंगे। अब आदमी मरता क्या ना करता वो वाला हिसाब किताब था। हर आदमी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया थोड़ी है, हर आदमी संजय सिंह थोड़ी, हर आदमी सतेंद्र जैन थोड़ी है कि जिन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की अपनी बात को दोहराया, उन्होंने कहा हम जेल चले जाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार के आगे झुकेंगे नहीं, नरेंद्र मोदी के आगे झुकेंगे नहीं, हम झुकने वाले नहीं है, टूटने वाले। पर उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि ईडी के डर से इस्तीफा नहीं दिया है उन्होंने, न पद से न पार्टी की सदस्यता से। उन्होंने कहा कि दलितों का अपमान सह नहीं सकता हूं मैं, तो उन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया ना सर, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, राजकुमार आनंद कहेंगे कि ईडी ने मेरे को नोटिस दिया हुआ है 12 तारीख का और मुझे लास्ट डेट थी, लास्ट वार्निंग थी कि अगर आप 10 तारीख तक नहीं छोड़ोगे तो आपको जेल में डाल देंगे। राजकुमार आनंद थोड़ी कहेंगे, राजकुमार आनंद कहेंगे बीजेपी वाले मुझे तंग कर रहे थे रोज, 3 महीने से मेरे पीछे पड़े हुए थे कि अगर आप आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ोगे, अरविंद केजरीवाल को गाली नहीं दोगे, ये नहीं कहोगे, तो ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस। ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं, आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ। घनेन्द्र जी, अजय महावर जी भी हमारे साथ कनेक्टेड है, डॉक्टर अनित सिंह भी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता कनेक्ट हो गए हैं। अनित सिंह जी, आपके पास मैं आऊंगी, उससे पहले अजय जी आपका रुख करते हुए, मिसयूज ऑफ एजेंसी, ये आरोप है विपक्षी पार्टियों का आप पर, आम आदमी पार्टी का भी यही आरोप है, और जिस ऑपरेशन लोटस की बात आम आदमी पार्टी काफी वक्त से करती हुई आ रही है कि मुख्यमंत्री को पहले जेल में डालेंगे, फिर उनके पार्टी के विधायकों को तोड़ेंगे, फिर सरकार को गिराएंगे, फिर संवैधानिक संकट खड़ा करेंगे और फिर बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी, ये आरोप है जो आम आदमी पार्टी ने समय समय पर आपको लगाए हैं। लेकिन अब राजकुमार आनंद का आम आदमी पार्टी छोड़ना, मंत्री पद से इस्तीफा देना, ये इसकी शुरुआत मानी जाए? देखिए, सबसे पहले तो अभी घनेन्द्र भारद्वाज जी ने कहा कि जी राजकुमार आनंद जी थोड़ी कहेंगे ऐसी बातें। अरे चोर थोड़ी कहेगा कि मैं चोर हूं,
पूरी आम आदमी पार्टी, मुख्यमंत्री केजरीवाल, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन सब चोर हैं, चोर। और कोर्ट ने मोहर लगा दी है, ठप्पा लगा दिया है, कह दिया है कि उनकी गिरफ्त, ये तो कह रहे थे कि हमको समन भी जो है ईडी का वो गैर कानूनी है, ये संविधान की रक्षा करने निकले हैं और ये संवैधानिक नोटिस को गलत बताते हैं, समन को गलत बताते हैं। उसके बाद उसको गलत बताया, कोर्ट ने कहा वो समन जायज था। और अब कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने इन्हें नंगा कर दिया, तार तार कर दिया इनकी सब बातों को, और ये कहा है कि यह गिरफ्तारी के ईडी के पास पर्याप्त सबूत है। और इतना ही नहीं कहा, यह भी कहा है कि टाइमिंग के सवाल पर जो ये बार बार बात कर रहे हैं, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। यह भी कहा कि गोवा में पैसा गया है, इसके भी प्राइवेट फेसी सारे सबूत दिख रहे हैं। और यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी के मुखिया और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दोनों के ही संदर्भ में वो दोषी पाए जा रहे हैं या दोषी नजर आ रहे हैं। ये किसने से बात कर रहे हैं, ये रटा रटाया डायलॉग, पुराना घिसा पिटा डायलॉग बार बार राग लाप रहे हैं, इन्हें तनिक भी शर्म नहीं है। ठीक है, इस पॉलिटिकल जो ये नैरेटिव बनाया जा रहा है इसको लेकर भी सवाल कर लिया जाएगा। अजय जी वापस लॉटरी में आपके पास, अनित सिंह जी आपके पास आते हुए, जो स्थिति अभी दिल्ली की सियासत की नजर आ रही है, दिल्ली में और भी कई राज्यों में इंडिया अलायंस के तहत आप साथ पे चुनाव लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उसके तहत जांच चल रही है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी क्या स्टैंड अपना रखती है जब मुख्यमंत्री अभी जेल में है और उनके पार्टी के एक मंत्री ने अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया है और पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है, ये आरोप लगाते हुए कि दलितों का अपमान नहीं सह सकता हूं। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस समय बीजेपी और मोदी साहब की जो राजनीति है वो क्लियर है कि जो भ्रष्टाचारी है अगर बीजेपी के पाले में जाता है, चाहे वो अजीत पवार हो, प्रफुल्ल पटेल हो, हेमंता विश्व शर्मा हो, शुभेंदु अधिकारी हो, अक्रॉस द नेशन रेड्डी ब्रदर्स हो जिनके ऊपर 35,000 करोड़ रुपए के घाटू घोटाले का आरोप है, वो सारे के सारे या फिर बीजेपी ज्वाइन कर ले, या जो उनके खिलाफ आवाज उठाएगा, जो भूमिका में रहेगा उसके अंत को अधिनायकवादी जो उनके विचार है उसको रोकने का इंडिया गठबंधन एक प्रयास है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की राजनीति 2024 तय करने वाली है, जिसमें केंद्र के जो टूल बनकर काम कर रहे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, हम उसको जिस तरीके से अधिनायक तंत्र में काम कर रहे हैं उसको अलग करने का हम प्रयास करेंगे और देश जनतंत्र और लोकतंत्र की स्थापना के लिए काम करेंगे। जिस तरीके से हिंदुस्तान का लोकतंत्र कमजोर किया जा रहा है, देश में एक अधिनायकवादी सरकार बनाई जा रही है, मोदी साहब और अमित शाह जिस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, विपक्षी नेताओं के ऊपर एक के बाद एक प्रहार किए जा रहे हैं ईडी और सीबीआई के तहत, वो गैर कानूनी है और हम पूरी तरीके से भर्त्सना करते हैं। देखिए, जो आनंद साहब की आप बात कर रहे हैं उनके साथ दिक्कत ये थी कि आपने 3 महीने पहले उनके ईडी के ऊपर ईडी की रेड करी है, अगर वो भ्रष्टाचार को लेकर इतने ही सेंसिटिव थे तो ये जो दिल्ली में 2 साल से लगातार आम आदमी पार्टी के बड़े नेता ईडी की हिरासत में भी है और जेल में भी है और ये कार्रवाई लगातार चल रही है, अगर उनके अंतरात्मा की आवाज जागनी होती तो कब की जग जाती, लेकिन आज देश देख रहा है कि किस तरीके से एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करते केंद्र की मोदी साहब की सरकार के बड़े बड़े नेताओं के ऊपर इस तरीके से आघात करने का प्रयास कर रही है और हम इसकी पूरी तरीके से भर्त्सना करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर अजय जी इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा, लेकिन घनेन्द्र जी उससे पहले सवाल मेरा आपसे एक ये है कि अब राजकुमार आनंद इस्तीफा दे चुके हैं, अब वो मिनिस्टर नहीं है, जो विभाग उनके पास था वो नहीं है, तो अब अगला मिनिस्टर कौन होगा उस विभाग का? एलजी को सीएम नए मंत्री की फाइल भेजते हैं लेकिन जेल में फाइल नहीं साइन कर सकते हैं, मुख्यमंत्री कोर्ट जा रहा होगा उसके लिए, तो अब नया मंत्री क्या आपको लगता है चुनौतियां होंगी ऐसे उनको अपॉइंट करने में या विभाग देने में? देखिए, कोई चुनौती नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि वो किसको मंत्री बनाते हैं, और हमारी पार्टी में एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हमारी पीएसी है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, उसमें चर्चा होगी, उसके बाद मुख्यमंत्री जी के पास नाम जाएगा और पूरी देश की लोकतांत्रिक कानूनी व्यवस्था ये कहती है कि मुख्यमंत्री जी अभी मुख्यमंत्री हैं, और हम बार बार कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल हमारे मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को बहुत विश्वास के साथ 3-3 बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया,
और कहीं कोई लीगल वो नहीं है, फाइल जाएगी जेल से, फाइल साइन होके आएगी और एलजी को जाएगी और एलजी जो भी नाम मुख्यमंत्री जो हमारी पीएसी तय करेंगी उसको शपथ दिलाएंगे एलजी। इसमें कहीं कोई संवैधानिक और लीगल या कानूनी कोई भी बात देता नहीं है। और अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से दिल्ली की सरकार बड़ी बेहतर तरीके से चला रहे, जेल के अंदर से बैठ के वो दिल्ली के लोगों की चिंता कर रहे हैं, रोज मंत्रियों को आदेश दे, आदेश पे कार्रवाई करी। लेकिन प्रॉब्लम दिल्ली में एक और है कि दिल्ली के अंदर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है जिन्होंने पूरी नौकरशाही और अफसरशाही को पूरी तरीके से कंट्रोल में करके रखा है, पूरी अफसरशाही और नौकरशाही को कह दिया कि दिल्ली को बर्बाद होने दो, दिल्ली में आग लग जाए, दिल्ली में अस्पताल दवाइयां खत्म हो जाए, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां खत्म हो जाए, दिल्ली में पानी ना हो, दिल्ली में बिजली खराब हो जाए, तमाम चीजों को कैसे दिल्ली के लोगों को परेशान करना है, कैसे दिल्ली के लोगों को तकलीफ देनी है, उस काम में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और भारतीय जनता पार्टी लगी है। नौकरशाही को डराया हो कि जो नौकरशाह एलजी साहब की बात नहीं मानेगा, बीजेपी के लोगों की बात नहीं मानेगा, उसको ट्रांसफर कर देंगे, उसको सस्पेंड कर देंगे, उसकी नौकरी खराब कर देंगे। तो कुल मिला के अरविंद केजरीवाल से या आम आदमी पार्टी से लड़ाई नहीं इनकी, बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से लड़ाई लड़ते लड़ते दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई छेड़ दी है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के खिलाफ इन्होंने जंग शुरू कर दी है। ये चाहते हैं कि दिल्ली के लोग, क्योंकि इनको वोट तो देते नहीं है, तो कैसे दिल्ली के लोगों की खुशियों को छीना जाए, कैसे दिल्ली के लोगों को परेशान किया जाए, कैसे दिल्ली के लोगों पर आक्रमण किया जा रहा है, उस काम में लगे हैं कि कैसे दिल्ली की सरकार को ठप कर दो, दिल्ली के लोग दुखी हो, परेशान हो, इसी काम में। ठीक है अजय जी, घनेन्द्र जी की बातों का भी जवाब दीजिएगा। और एक सवाल ये भी, जो विपक्षी आप पर लगातार आरोप लगाते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं रहने देंगे तो फ्री और फेयर इलेक्शंस कैसे होंगे? जिन नेताओं को लेकर भ्रष्टाचार के पहले आरोप लगाए जाते थे, उन नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करवाने के बाद आपके विपक्षी कहते हैं, विरोधी कहते हैं कि उनके सारे पाप, उनका सारा भ्रष्टाचार धुल जाता है। पहले तो मुझे 2 vs 1 हूँ तो आप मुझे समय दीजिए, समय मुझे पिछली बार भी दोनों के मुकाबले कम मिला। ठीक है, आप लीजिए। मेरा इतना कहना है, अभी गणेन्द्र जी कह रहे थे दिल्ली वालों ने बड़े प्यार से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया, अरे मैं तो खुद कह रहा हूँ कि बड़े प्यार से बनाया, बहुत सोच समझ के बनाया, लेकिन उन्होंने क्या किया, दिल्ली वालों को ठगने लूटने का काम किया, शराब घोटाला किया, भ्रष्टाचार करने के लिए भेजा था, और कोर्ट के कहने के बाद भी बार बार आप कोर्ट को गलत साबित करना चाहते हो, कोर्ट अगर जमानत नहीं देता तो कहते हो कि बीजेपी जमानत लेने दे गई, और जब संजय सिंह को जमानत मिलती है तो कहते हैं सत्यमेव जयते, ये इनका दोहरा चरित्र है, चलेगा नहीं। रही बात जेल से सरकार चलाने की, कान खोल कर सुन लीजिए गणेन्द्र भारद्वाज, जेल से सरकार नहीं चलेगी, ये गैंग नहीं है भ्रष्टाचारियों का गैंग इकट्ठा होकर जेल से सरकार चलाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगी। हमारी विधायक भी रहे ना रहे, हमें दिल्ली की चिंता है, दिल्ली की रोजमर्रा के काम को आपने बंधक बनाकर रखा हुआ है, जेल से आप कहते रोज फाइल आएगी जाएगी, कोई परमिसिबल नहीं है, आप दिल्ली को झूठ बोल रहे हैं, दिल्ली को गुमराह कर रहे हैं। आपको कल अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से समय मांगा था 5 दिन मिलने का हफ्ते में वकीलों से, वो भी खारिज हो गई है, 2 बार का समय दिया गया है, और इसलिए आप बार बार दिल्ली को गुमराह ना करें, दिल्ली को बंधक ना बनाए, दिल्ली के रोजमर्रा को काम से करने दें, फिर कल को राष्ट्रपति शासन लगेगा और आप विक्टिम कार्ड खेलने के लिए मैदान में आ जाओगे। देखो जी, हमारे को राष्ट्रपति शासन लगा दिया, अभी समय रहते चुनौती दे रहे हैं आपको, आप नया नेता का चुनाव कीजिए, इसने रोका है आपको, सदन में सदन बुलाइए, नए मुख्यमंत्री का चुनाव कीजिए, चलाइए सरकार, किसी ने नहीं रोका आपको, लेकिन आप सत्ता लोलित हो गए हैं, आप परिवारवादी हो गए हैं, आप भ्रष्टाचारियों के संरक्षक इन्हें सिंह हो गए हैं, और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अनित सिंह कह रहे थे इसलिए तो कांग्रेस का ये हाल हो गया है। अरे जिस कांग्रेस की गड्डी इन्होंने छीनी, जिस कांग्रेस के लिए कांग्रेस शराब का घोटाला को उजागर करने के लिए खुद के आगे आई थी, जो कल तक गाली दे रही थी, आज एक सीट जीतने के लिए शायद इतनी पागल हो रही है कि वो गलत और सही को भी जो खुद गलत कह रही थी। और अभी भगवंत मान 3 दिन पहले क्या कह रहे थे, भगवंत मान टीवी शो पर कॉन्क्लेव में कह रहे थे परसों कि कांग्रेस देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है और उसको भ्रष्टाचार के आंदोलन के कारण हटा करके हम पंजाब में शासन में आए हैं। कैसी ये पार्टी है जो अपने ही आप में उलझी हुई है, अपने ही दलदल में फंसी जा रही है, कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है कि वो उसको जाना किधर है, और इसीलिए कांग्रेस का हसर देश ने देखा है। आने वाले समय में भी कांग्रेस पिछले बार के मुकाबले आधी सीट भी जीत जाए देश में तो बहुत बड़ी बात मानूंगा, और आम आदमी पार्टी का तो सफाया तय है ही,
आज दिल्ली में सहानुभूति के नाम पर तो भी नहीं आया, इनकी रामलीला मैदान की कुर्सी खाली रही जब चीफ स्पोर्ट्स सबसे मेन ब्रॉक राहुल गांधी बोल रहे थे। अरे भाई आप दिल्ली वालों को मूर्ख मत समझिए, दिल्ली वाले बहुत समझदार हैं। रही दिल्ली की बात, पहले भी केजरीवाल की प्रचंड बहुमत आने के बाद भी 68 और 62 आने के बाद भी हमने 700 सीटें जीती थी और इस बार भी हम 700 सीटें जीतने जा रहे हैं। आप नया नेता का चुनाव कीजिए। रही राजकुमार आनंद की, राजकुमार आनंद ने साफ साफ कहा कि मैं परसों तक मानता था जब तक कोर्ट ने वर्डिक्ट नहीं दिया शायद हमें कोई फंसाया जा रहा हो, लेकिन कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद मैं ये देख चुका हूँ, समझ चुका हूँ कि ये पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। तो राजनीति बदलने आए थे वो राजनेता बदल गए, ठीक है, मंत्री ने कहा है ये मैंने। एक मेरा काउंटर क्वेश्चन है छोटा सा, आने वाले दिनों में बीजेपी ज्वाइन करते तो नहीं दिखेंगे राजकुमार आनंद अजय जी? हमें तो नहीं पता उनके मन में क्या है, वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये तो हमें सरोकार नहीं है कोई। उन्होंने आम आदमी पार्टी के मंत्री ने खुद इस्तीफा दिया है, दलित विरोधी होने का आरोप लगाया है और यह भी कहा है कि भ्रष्टाचार के दलदल में आम आदमी फंस चुकी है, जो राजनेता राजनीति बदलने आए थे वो राजनेता भ्रष्ट हो चुके हैं। पर अगर वो बीजेपी ज्वाइन करना चाहेंगे तो क्या दरवाजे खुले हैं उनके लिए या नहीं है? अब ये तो हाइपोथेटिकल बात हो गई जी, हाइपोथेटिकल बात में मैं यकीन नहीं करता, जो घटित हुआ है उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ कि ईडी ने प्रयास काश के अनुसार अरविंद को जेल में भेजा है, ईडी ने ये माना है कि ये गोवा में पैसा गया है, राजकुमार आनंद ने ये कहा है कि मैं इस भ्रष्टाचार के कारण पार्टी छोड़ रहा हूँ, ठीक है, इसका आरोप अपने ऊपर नहीं ले सकता, तो जो हुआ है घटित हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है लॉटरी में आपके पास अनिल जी, पहली कंप्लेंट कांग्रेस पार्टी ने ही की थी इस पूरे मामले को लेकर, और अब क्योंकि अलायंस हो गया है तो अब बोलने से बचते हैं आप इस मैटर पर, पॉलिटिकल अलायंस हो गया है तो जांच नहीं होनी चाहिए या फिर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? के माध्यम से बहुत अच्छी बात है कि आपने ये उजागर किया कि दिल्ली में जो हमारी क्षमता है उससे बढ़कर हमने काम किया, हमने सारे के सारे जितने भी ऑफिशियल कंप्लेन करने की बात थी वो कांग्रेस पार्टी ने करी थी और जांच उसी दिशा में बढ़ रही है। लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से हम पिछले 3 साल है उसे लगातार इस बात को उठा रहे हैं, लेकिन आज जब इन मौके पर चुनाव के वक्त पर जब जिस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड का एक जो स्कैम है वो बाहर आता है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, तब ये सारी की सारी कवायद की जा रही है। नरेंद्र मोदी साहब करते क्या है, नरेंद्र मोदी साहब सिर्फ और सिर्फ जो नैरेटिव है उसको सेट करने का काम कर रहे हैं। ये अभी आपने देखा कि किस तरीके से राजकुमार आनंद जी की बात हो रही है, ये पर्सनालिटी को डिस्कस करके जो देश की हित की बात है उसको दरकिनार करने की बात हो रही है, ये मॉन्यूमेंटल फेल्योर की सरकार है जो यहाँ से बेरोजगारी की बात नहीं करना चाहती है, महंगाई की बात नहीं करना चाहती है, किस तरीके से अमीरों और गरीबों की दुखाई पैदा हो रही है उसकी बात नहीं करना चाहती है, ये डिस्कस करना चाहते हैं करप्शन को। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जब सारे के सारे करप्ट नेता अक्रॉस द नेशन हर पार्टी के हर राज्य के बड़े बड़े जो इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप खुद प्रधानमंत्री लगाया करते थे, आज जब इनके पाले में चले गए तो किसी को उन्होंने उप मुख्यमंत्री बना दिया है, किसी और को ये बड़े बड़े पदों पर नवाज रहे हैं, ये क्या दर्शाता है? लोगों के सामने एक खुली किताब है कि करप्शन से लड़ने की बीजेपी की ये जुगत है वो सिर्फ और सिर्फ 2024 के इलेक्शन में नैरेटिव को जनता से जुड़े हुए मुद्दों से हटाने की पहल है। प्रधानमंत्री साहब सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे हैं, ना वो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं ना वो छात्रों के लिए काम कर रहे हैं, बार बार पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, 2 करोड़ नौकरियों की बात जो किया करते थे आज वो नहीं कर रहे हैं, महंगाई जो 45 साल की सबसे बड़ी सर्वाधिक इस समय विपता बनी हुई है, महिलाओं की स्थिति उसकी वजह से ग्रस्त हो चुकी है लेकिन वो उसकी बात नहीं करेंगे, ये सिलेंडर की बात करते थे जो आज 700 से 1000 रुपए तक पहुंच चुका है, पेट्रोलियम पदार्थों की बात करते थे 60 रुपए का था जिसको आधा करने की बात करते थे आज वो 100 रुपए के पार पहुंच चुका है, लेकिन जनता से जुड़े हुए हित के मुद्दे कोई नहीं करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड हिंदुस्तान के आजाद हिंदुस्तान के बाद का सबसे बड़ा स्कैम है और जिसकी पूरी जो पूरी स्क्रिप्ट बीजेपी ने लिखी हुई है, मैं आपके माध्यम से बताता हूँ कि किस तरीके से ये स्कैम एक्सटॉर्शन की एक मशीनरी थी, बीजेपी में आप पैसा दीजिए और आपके सारे दांत धुल जाएंगे, इस तरीके की जो नीति बनाई गई थी 2018 में तत्कालीन जो वित्त मंत्री साहब थे उनकी वजह से, आज देखिए कि जितनी भी बड़ी कंपनियों के ऊपर आप जो कंपनियां घाटे में चल रही हैं वो भी 50-50 करोड़ 100-100 करोड़ रुपए 60-60 करोड़ रुपए चंदा देती है, जो अपने जो उनके मुजालिम है और जो अपने उनके
कर्मचारी है उनको वो तनख्वाह देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वो बीजेपी के तिजोरी में पैसा डाल रहे हैं। ये दर्शाता है कि बीजेपी और मोदी साहब की जो ये नीति है करप्शन को खत्म करने के लिए सिर्फ एक आई वॉश है, लोगों को समझ में आने लगा है। ठीक है, ठीक है, एक छोटा सा वाइंड अप कमेंट मुझे घनेंद्र जी से लेना था। अनिल जी, मैं लौट रही हूं आपके पास। जो सारी बातें आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं घनेंद्र जी, वो तो आप कोर्ट में भी बताते हैं ना, तो वहां पे काम क्यों नहीं आ रही है ये सारी बातें? छोटा सा, बहुत छोटा सा जवाब। देखिए, देश में न्यायिक व्यवस्था है। इस देश में अगर किसी आदमी को लोअर जुडिशरी से अगर जस्टिस नहीं मिलता तो हाई कोर्ट जाता, हाई कोर्ट से जस्टिस नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट जाता है, और यही जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच थी जिसने इसी ईडी की दलीलों के आधार पर संजय सिंह की जमानत को रिजेक्ट करा था, और वही बात लेके हम होनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए, जस्टिस खन्ना की बेंच में इस मामले की सुनवाई, फिर वही ईडी थी, वही दलीलें, लेकिन संजय सिंह को बेल सुप्रीम कोर्ट से मिली। तो निश्चित तौर पर हमारे लिए, हम ज्यूडिशरी का सम्मान करते, लेकिन हमें सीएम को, सीएम के केस को लेकर भी आपको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है? मैं कह रहा हूँ हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट पे, हम पूरे देश को सिर्फ दो ही लोगों पे भरोसा रह गया है, तो भगवान पे या माननीय सुप्रीम कोर्ट पे, इसके बीच में कहीं कोई विश्वास की जगह नहीं बची। हमें पूरी उम्मीद है कि 15 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई होगी तो चीफ मिनिस्टर साहब को जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दाफाश होगा। ठीक है घनेंद्र जी, अजय जी, अनंत जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जेल में मुख्यमंत्री केजरीवाल है और मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, अब आगे क्या होगा उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं।